नमस्कार एंड वेलकम टू लाइम इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिस्ट ऑफ टॉप 20 प्रोडक्ट्स टू एक्सपोर्ट इन अल्बानिया। अब ये वीडियो जो है वो वैल्यूएशन के ऊपर बेस्ड होगा और आने वाले वीडियो में हम आपको ग्रोथ रेट के हिसाब से टॉप 20 प्रोडक्ट्स का लिस्ट भी देने वाले हैं। तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वो बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि जब भी हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आए तब आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। साथ ही साथ इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको वैल्यूएबल लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। राइट, आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो इस लिस्ट की जो प्रोडक्ट नंबर 20 है वो है ग्लोज। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लोज रहते हैं और ये वल्केनाइज रबर से बने हुए ग्लोज की बात हो रही है जो कि आपने जो ट्रीटमेंट के वक्त डॉक्टर को पहने हुए देखा होगा उसी तरह के ग्लोज की बात हो रही है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्पजेस में इस टाइप के ग्लोज का यूज़ किया जाता है। इवन जो है वो क्लीनलीनेस और हाइजीन को मेनटेन रखने के लिए इस टाइप के ग्लोज का यूज़ किया जाता है। 337 यहाँ पे जो फिगर है वो है USD thousands में वैल्यूएशन है 2021 की और सारी प्रोडक्ट्स का जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। प्रोडक्ट नंबर 19 की बात करें तो ऑटोमेटिक सर्किट ब्रेकर्स फॉर वोल्टेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 72.5 kV है। अब ये एक इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट है और इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग के साथ अगर आप जुड़े हैं तो आपको डेफिनेटली इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का सोर्सिंग बहुत ही आसानी से हो सकता है। और यहाँ पे इसकी वैल्यूएशन को देखते हुए ये चीज़ तो कन्फर्म है कि ये प्रोडक्ट ज़रूर कंसिडरेबल है अल्बानिया में एक्सपोर्ट करने के लिए। प्रोडक्ट नंबर 18 है टी शर्ट्स सिंगलेट्स एंड अदर वेस्ट ऑफ कॉटन नीटेड और क्रॉच्ड। नीटेड और क्रॉच्ड कॉटन के टी शर्ट्स की बात हो रही है, सिंगलेट्स या तो कोई भी वेस्ट की बात हो रही है। और अगर आप गारमेंट इंडस्ट्रीज़ के साथ बिलोंग करते हैं तो आपके लिए ये प्रोडक्ट जो है वो कंसिडरेबल प्रोडक्ट ज़रूर कह सकते हैं। प्रोडक्ट नंबर 17 है ग्राउंडनट्स शेल्ड वेदर और नॉट ब्रोकन। राइट, ग्राउंडनट्स की बात हो रही है। अगर आप फार्मिंग इंडस्ट्रीज़ के साथ जुड़े हैं और आप इसका सोर्सिंग कर सकते हैं तो ग्राउंडनट्स एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि यहाँ पे ज़्यादा डिमांड में है। प्रोडक्ट नंबर 16 की बात करें तो एसी जनरेटर्स अल्टरनेटर्स ऑफ एन आउटपुट ग्रेटर देन 750 kV है। राइट, 750 kV से बड़े जो एसी जनरेटर्स रहते हैं अल्टरनेटर्स रहते हैं ऐसे अल्टरनेटर्स की बात हो रही है। प्रोडक्ट नंबर 15 है सीसम सीड्स वेदर और नॉट ब्रोकन। सीसम सीड्स की बात हो रही है, तिल, तो तिल की जो डिमांड है वो ऑलवेज रही है यहाँ पे और आने वाले टाइम में भी हो सकता है रहने वाली है क्योंकि ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि ज़्यादातर बहुत सारी कंट्रीज़ में यहाँ से इंडिया से एक्सपोर्ट होती है और उनमें से एक जो है वो अल्बानिया है। आगे बढ़ते हैं प्रोडक्ट नंबर 14। प्रोडक्ट नंबर 14 है आर्टिकल्स ऑफ प्लास्टिक्स एंड आर्टिकल्स ऑफ अदर मटेरियल्स हेडिंग 3901-3914। अब 3901-3914 आपको थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो ज़्यादा डिटेल्स जो है वो मिल जाएगी और बहुत सारे वेराइटीज़ और वेरिएशंस रहते हैं प्लास्टिक के आर्टिकल्स में, तो थोड़ा सा रिसर्च करिए और इसके सोर्सिंग में अगर आप कुछ कर सकते हैं तो डेफिनेटली ये प्रोडक्ट भी कंसिडरेबल प्रोडक्ट ज़रूर कह सकते हैं। प्रोडक्ट नंबर 13 की बात करें तो नीडल्स कैथेटर्स एंड कैन्यूल जो ट्रीटमेंट के वक्त यूज़ में लिए जाने वाले जो इक्विपमेंट्स रहते हैं जिसको हम सर्जिकल इक्विपमेंट्स भी कहते हैं। अगर सर्जिकल इक्विपमेंट्स की बिजनेस के साथ अगर आप जुड़े हैं तो आपके लिए ये वीडियो जो है वो बिल्कुल बेनिफिशियल होने वाला है क्योंकि ये प्रोडक्ट ज़रूर कंसिडरेबल है एक्सपोर्ट करने के लिए। प्रोडक्ट नंबर 12 की बात करें तो ये है ग्रेनाइट इन एनी फॉर्म। राइट, ग्रेनाइट इन एनी फॉर्म पॉलिश्ड और डेकोरेटेड और अदरवाइज वर्क्ड। राइट, तो कोई भी फॉर्म में अगर आपको ग्रेनाइट मिलता है और आप सोर्सिंग कर सकते हैं तो आप बिल्कुल आसानी से इसको जो है वो इस पर्टिकुलर कंट्री में एक्सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे डिमांड अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं प्रोडक्ट नंबर 11 की बात करें तो अनकोटेड पेपर एंड पेपर बोर्ड ऑफ अ काइंड यूज्ड फॉर राइटिंग प्रिंटिंग और अदर ग्राफिक पर्पसेस। जो ग्राफिक पर्पसेस और राइटिंग और प्रिंटिंग के लिए जो पेपर यूज़ में लिया जाता है ऐसे अनकोटेड और अनकोटेड पेपर बोर्ड्स की बात हो रही है। राइट, तो ये एक सही प्रोडक्ट है। अगर आप पेपर इंडस्ट्रीज़ के साथ जुड़े हैं या तो सोर्स कर सकते हैं, ट्रेडिंग करते हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर बेनिफिशियल होने वाला है। प्रोडक्ट नंबर 10 है इलेक्ट्रोड्स ऑफ ग्रेफाइट एंड अदर कार्बन फॉर इलेक्ट्रिक फर्नेसेस। इलेक्ट्रिक फर्नेसेस को बनाने के लिए जो इलेक्ट्रोड्स का यूज़ किया जाता है ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स का, उस पर्टिकुलर चीज़ की बात हो रही है। प्रोडक्ट नंबर 9 है मेडिसिमेंस कंसिस्टिंग ऑफ मिक्स्ड और अनमिक्स्ड प्रोडक्ट्स फॉर द थेरापेटिक एंड प्रोफिलेक्टिक पर्पसेस। मेडिकल प्रोडक्ट है और अगर आप मेडिकल इंडस्ट्रीज़ के साथ जुड़े हैं तो आपके लिए ये प्रोडक्ट को सोर्स करना बिल्कुल सही होगा और यहाँ पे इसकी वैल्यूएशन भी आप देख सकते हैं, सही वैल्यूएशन में ये प्रोडक्ट अवेलेबल है।
प्रोडक्ट नंबर 8 है एग्रीकल्चरल हॉर्टिकल्चरल और फॉरेस्ट्री मशीनरी फॉर सोइल प्रिपरेशन और कल्टीवेशन, राइट, जो लोन को अच्छी बनाने के लिए और डिफरेंट पर्पज़ इसमें यूज़ में लिए जाते हैं, ऐसे इक्विपमेंट्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल और हॉर्टिकल्चरल इक्विपमेंट्स जो रहते हैं, ऐसे इक्विपमेंट्स के मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग के साथ अगर आप जुड़े हैं तो आपके लिए ये वीडियो ज़रूर बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ये वीडियो में इस प्रोडक्ट की डिमांड आपको दिखाई गई है और ये कंसिडरेबल कंट्री ज़रूर होने वाली है। आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्ट नंबर 7 है कैटल फिश स्क्वीड फ्रोजन और विथ और विदाउट शेल, राइट। तो ये एक फिशिंग इंडस्ट्रीज़ की प्रोडक्ट है, अगर आप फिशिंग इंडस्ट्रीज़ के साथ जुड़े हैं तो आपके लिए ये प्रोडक्ट बिल्कुल कंसिडरेबल प्रोडक्ट है, अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। प्रोडक्ट नंबर 6 है ग्रेनाइट क्रूड और रफली ट्रिम्ड, राइट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेनाइट्स रहते हैं जिसमें एक होता है फिनिश्ड, एक होता है अनफिनिश्ड, एक होता है रो ग्रेनाइट। तो ये सारी जो चीज़ें रहती है उसमें से एक है वो क्रूड और रफली ट्रिम्ड ग्रेनाइट है, और ये भी एक सही प्रोडक्ट कह सकते हैं। प्रोडक्ट नंबर 5 अपर्स एंड पार्ट्स देयर ऑफ एक्सक्लूडिंग स्टिफनर्स एंड जनरल पार्ट्स मेड ऑफ एस्बेस्टोस, राइट। एस्बेस्टोस से बने हुए जो पार्ट्स रहते हैं वो नहीं, उससे डिफरेंट जो पार्ट्स रहते हैं अपर्स एंड पार्ट्स देयर ऑफ, तो उसकी बात हो रही है जो यूजुअली फुटवेयर्स में यूज में लिए जाते हैं। प्रोडक्ट नंबर 4 है कॉफ़ी। कॉफ़ी एक ऐसी प्रोडक्ट है इंडिया में बहुत ही इंडिया से एक्सपोर्ट होती है, बहुत सारी कंट्रीज जो ऐसी है जहाँ पे इंडियन कॉफ़ी की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। प्रोडक्ट नंबर 3 है फेरोसिलिको मैंगनीज, और ये भी एक ऐसी प्रोडक्ट है, ऐसा मिनरल है जो कि आपको इंडिया से बिल्कुल आसानी से सोर्स भी कर सकते हैं और साथ ही साथ इसको बहुत सारी कंट्री में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इन द लिस्ट इज ग्रेनाइट एंड आर्टिकल्स देयर ऑफ सिंपली कट और सोन विद अ फ्लैट और इवन सर्फेसिस, राइट। जैसे मैंने आपको बताया डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है वो रेंज रहती है, वेरिएंट्स रहते हैं, वेरिएशंस रहते हैं ग्रेनाइट के, ठीक उसी तरह यहाँ पे सारे बहुत सारे वेरिएंट्स की जो डिमांड है वो मौजूद है। प्रोडक्ट नंबर 1 की बात करें तो सिरामिक फ्लैग्स एंड पेविंग्स। अब इसकी पर्टिकुलरली बात करें तो यहाँ पे मोरबी में, गुजरात के मोरबी में आपको जो भी क्वांटिटी जो भी क्वालिटी चाहिए वैसी क्वालिटी में आपको इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का सोर्सिंग आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। अगर आप खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो इस पर्टिकुलर कंट्री को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। लाइम इंस्टीट्यूट में हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट की एक कम्प्लीटली प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, और अगर आप भी सही तरीके से एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हैं तो अभी आपकी स्क्रीन पे दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे कॉन्टैक्ट करके हमसे ज़्यादा इंक्वायरी कर सकते हैं। आज के लिए लाइम इंस्टीट्यूट के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बहुत ही जल्द ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हम आपके सामने वापस हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।